नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज लेके आई हूँ मैं अरबी के पत्ते की पकौड़े, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे मैं नरम पत्तों का इस्तेमाल की हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 से 6 यहाँ पे मैं पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरह से आपको डंठल को इस तरह से मैं काट कर दिखाती हूँ। तो इसी तरह से सारे पत्ते जो हैं मैं उनके डंठल को निकाल ली हूँ पहले से ही। तो इस तरह से मैं आपको काट के दिखा रही थी डंठल किस तरह से निकालना है। तो इसी तरह से सारे पत्ते के डंठल को हम निकाल लेंगे। और जैसा कि मैं बता रही थी कि बहुत ही नरम पत्तों का इस्तेमाल आप कीजिए पकौड़े बनाने में, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है नरम पत्ते से बनाने से इसके पकौड़े। तो यहाँ पे मैं सारे पत्ते के डंठल निकाल चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसके बैटर को तैयार करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी यहाँ पे बेसन ली हूँ, 5 से 6 चम्मच चावल का आटा, 1 कटोरी यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, तीखा स्वाद अनुसार। आप चाहें तो सभी चीज़ों को मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस के डाल सकते हो। और नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच। तो यहाँ पे मैं खटाई डाली हूँ, अमचूर पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। आप मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं घर के बनाए हुए अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अच्छे से सभी को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी रखी हूँ। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े पानी को ऐड करके इसका एक घोल तैयार कर लूंगी। तो इसी तरह से अच्छे से मिक्स करके बनाएं। और खटाई डालने से क्या होता है, गले में खराश बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस तरह से आप अच्छे से खटाई डाल के, आप चाहें तो मार्केट के अमचूर पाउडर या नींबू का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े पानी को डाल के हम इसका एक घोल तैयार अच्छे से कर लेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो गया इस तरह से अच्छे से मिक्स करके। और अब मैं यहाँ पे आपको पत्तों में अच्छे से लगा कर इसे दिखाती हूँ। तो इसी तरह से सारे पत्तों को हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। और सबसे जो बड़े पत्ते होते हैं मैं सबसे पहले उसमें लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पे ही इस तरह से लगा के आपको अच्छे से इसे फैला के बैटर को दिखा रही हूँ लगाकर। बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा करना नहीं होता है। बहुत ही आराम से इसे हम घर में बना सकते हैं कभी भी, जब भी मन हो खाने का। तो इसी तरह से फटाफट हम सभी यहाँ पे बैटर को मैं पत्तों में लगा ली हूँ इस तरह से फैला कर। तो इसी तरह से मैं दूसरे पत्ते को भी इसके ऊपर लगा कर एक लेयर और डाली हूँ मैं यहाँ पर। और इसी तरह से सभी पत्तों में मैं लगा लूंगी। थोड़ा सा समय लगता है पर बहुत ही खाने में टेस्टी भी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं तीसरे पत्ते का भी यूज कर रही हूँ इसके ऊपर लगाकर। और थोड़े से यहाँ पे मैं चीरे लगा दी हूँ पत्ते में, ताकि वो अच्छे से यहाँ पे लग सके और अच्छे से ये बैठ जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़े से, आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे करके मैं पत्तों को इस तरह से लगा रही हूँ। तो किसी जगह मोटे या पतले अगर आपको लग रहे हों तो उस तरह से आप सेट कर ले पत्तों को अपने हिसाब से। तो सारे पत्तों को इसी तरह से लगा कर हम यहाँ पे बैटर को तैयार करेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसी तरह से देख सकते हैं काफी फटाफट यहाँ पे मैं आपको बैटर पूरे पत्तों में, अरबी के पत्तों में लगा के दिखा रही हूँ। सीधी से सारे बैटर लग चुके थे यहाँ पर। और अब मैं इसे रोल करके आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे रोल बिल्कुल लग रहा है। और यहाँ पे मैं उंगलियों की मदद से मैं इसे थोड़े से दबा दबा के लगा रही हूँ, वो गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं। तो आप इस तरह से उंगलियों की मदद से आप इसे रोल कर लें। और देख सकते हैं ये काफी अच्छा बिल्कुल रोल हो चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से मैं ऊपर से भी पूरे बैटर को यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ। और अच्छे से अंदर की तो ओर से मैं यहाँ पे इसे फोल्ड कर लूंगी। तो दोनों तरफ से हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और थोड़े से बैटर को इसमें भी लगा लेंगे अच्छे से अंदर तक। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया, देख सकते हैं बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो रहा है ये। तो अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में पहले से पानी डाल के रखी हूँ 1 से 1.5 गिलास के आसपास। और यहाँ पे एक स्टैंड डाली हूँ
और इस तरह से प्लेट को हम डाल लेंगे और फ्लेम को मीडियम में रख के इसे हम स्टीम करेंगे और एक ढक्कन से इस तरह से ढक देंगे। आप चाहें तो स्टैंड के बदले एक कटोरी में पानी डालकर भी इस तरह से रख के आप इसे स्टीम कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टीम होने में, काफ़ी नरम पत्ते हैं तो 5 से 10 मिनट काफ़ी होता है। तो आप इसे एक बार चेक जरूर कर ले बीच में। तो इस तरह से ढक्कन हटा के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये थोड़े से अभी जो बेसन जो मैं बैटर बनाई थी ना वो थोड़े से अभी गीले हैं, थोड़े से मैं और इसे, तो पूरे टोटल टाइम हमें 5 से 10 मिनट इसमें लग गए हैं इस तरह स्टीम करने में। तो इस तरह से ढक्कन हटा के दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया और हल्के से हाथ में अगर आपके लगते भी हैं तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी सेट हो जाता है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो इसे मैं ठंडा करके निकाल ली हूँ इसमें और अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। जो पकौड़े होते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इस तरह से बनाने में बहुत ही आसान है इसे, जैसे कभी भी आप इसे बना के आराम से इसे खा सकते हो। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ बीच बीच में से और इस तरह से देख सकते हो बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे अब मैं पैन को गर्म कर ली हूँ, तो यहाँ पे डीप फ्राई कर ले रही हूँ, पहले से गर्म रखी हूँ तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाता है। तो आराम से फ्लेम को मीडियम में रख के इसे आराम से इसे फ्राई कर लें। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो 1 से 2 बार हम इसे पलट के इस तरह से फ्राई कर लेंगे, बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही क्रिस्पी और नरम भी है, तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, जिसे आप चाय के साथ, शाम के चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो या फिर आप दाल चावल रोटी के साथ भी इसे आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं एक बार बीच बीच में पलट के इसे पलट ली हूँ। तो इसी तरह से आप पलट लें और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो शाम के चाय के साथ भी ये बहुत टेस्टी खाने में लगता है। तो इसी तरह से मैं सारे इसे निकाल ली हूँ, तो एक प्लेट में इसे मैं सर्व भी कर लूंगी इस तरह से निकाल कर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर जरूर करें, कमेंट भी जरूर लिखें और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिए। तो इस तरह से मैं एक प्लेट में इसे देख सकते हैं कि मैं प्लेटिंग कर ली हूँ। तो फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू।